हिंद दोस्तों, मंजित लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाला पास वास्तविक संख्या के परिमेय 1.3 के विस्तृत अध्ययन करेंगे। परिमेय 1.3 हमें यह कहता है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, जहाँ P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए परिमेय हमें क्या कहना चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि ए स्क्वायर को पी विभाजित करती है, अर्थात अगर ए स्क्वायर में पी से भाग लग जाता है तो ए में भी पी से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। अर्थात हम अगर 25 के स्क्वायर में अगर हम 5 से भाग, 5 क्या है जी, अभाज्य संख्या है ना, 5 से अगर भाग हम देते हैं तो 625, तो ये 5 से ये कट जाएगा, 125 बार में कटेगा ना जी, तो हमारा 25 भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये परिमेय 1.3 हमें यही कहना चाहता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाज्य हो जाएगी। इसी कंसेप्ट को लेकर हम परिमेय 1.3 के सवालों को हल करेंगे। हालांकि हम 9 में परिमेय संख्याओं, एक अपरिमेय संख्या होगी और एक परिमेय संख्याओं का योग और अंतर और करने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब हम प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल जो कहता है, सिद्ध कीजिए करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमारा इन क्वेश्चनों में पहला कंसेप्ट ये रहता है, तो हमें सिद्ध करना ये होता है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसके विपरीत हम मानते हैं कि करणी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। हमेशा इन प्रश्नों में यही कंसेप्ट रहता है कि इनका विपरीत हमें लेना पड़ता है। जैसे मानते हैं, माना कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हम जानते हैं जो पी बटा क्यू के रूप में क्या हो, प्रदर्शित किया जा सकते हैं, तो करणी 5 क्या पी बटा क्यू के रूप में हम विभक्त कर सकते हैं, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात पी तथा क्यू एक सह अभाज्य गुणनखंड है जिसका SCF अर्थात इनकी जिसका मसा क्या होगा, 1 होगा। अब सबसे पहले हम करणी 5 बराबर पी क्यू है, इसको हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, इस तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर करेंगे तो करण ये 5 क्यू बराबर पी होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। देखिए इसका भी वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे अगर हम, ये तो करणी 5 का वर्ग कर दिए, 5 हो जाएगा, ये 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अर्थात हम ये देखते हैं कि पी स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि परिमेय 1.3 हमारा यही कहता है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ व्यवस्थित करने में हमेशा इन सवालों में पी बराबर हम कोई दूसरा अक्षर लेते हैं, मान इसका जो हमेशा गुणांक रहता है उसी को हम लेते हैं। पी बराबर 5c रखने पर, पी बराबर 5c लेने पर ये मान लीजिए हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण फर्स्ट में पी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में पी का मान क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट यही नहीं है जी, 5q² बराबर p² तो 5q² तो 5q² अब p का मान कितना है कि 5c है, अभी तो यहाँ व्यवस्थित किए हैं तो वर्ग करेंगे तो 5q बराबर ये कितना हो जाएगा 25c² तो अर्थात ये कटाएंगे तो q² भी 5c² का है विभाज है, अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात q² भी 5 से विभाज है। इससे हमें ये ज्ञात में होता है कि p और q में 5 क्या है जी, उभयनिष्ठ है, माने 5 दोनों में मिल रहा है, अतः p व q में 5 क्या है, उभयनिष्ठ है, अर्थात हमने इसे का माना था P और Q को सहभाज्य संख्या माना था कि इसका मसक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः हमारा अवधारणा क्या है जी, हमारा अवधारणा गलत है, इसलिए करणी पाँच एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए जब भी ऐसे सवाल मिलता है जिस इसको विपरीत हमें मानना होता है कि अगर परिमेय संख्या को हमें दिखाना है सिद्ध करके तो हम इसको विपरीत माने कि करणी पाँच एक क्या है, परिमेय संख्या है, हम जानते हैं करणी परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में विभक्त करते हैं, तो पी बटा क्यू जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ हम लिखे हैं तो पी तथा क्यू सहभाज्य गुणनखंड है, अर्थात इनका मसा कितना होगा जी, 1 होगा, तो इसको हम थोड़ा व्यवस्थित किए हैं, करणी पाँच इधर आएगा तो ये करणी 5q बराबर पी स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग किए तो करणी का वर्ग करते हैं तो करणी क्या हो जाता है, हट जाता है, तो 5q² बराबर p² तो p² यहाँ क्या मिलता है कि p² में कहीं ना कहीं 5 उभयनिष्ठ, मैंने 5 से इसमें विभाग लग सकता है, तो ये लिखे हैं कि p² 5 से क्या है जी, विभाज्य है, परिमेय 1.3 से। अब हम अपने से पी हमेशा विपरीत लेना पड़ता है, p² बराबर 5c एक कॉन्स्टेंट लिए, तो यहाँ पर जो समीकरण सेकेंड है 5q² और p², और p² के जगह पर हम 5c² रखते हैं, तो देखिए दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे तो इसका भी पी का भी वर्ग करेंगे तो ये 25c² 5 से भी क्या है 25 कट जा रहे, तो q² भी क्या 5 से विभाज्य है, अतः हम लिखते हैं अर्थात q भी 5 से विभाज्य है, अतः p और q में 5 उभयनिष्ठ में, दोनों में 5 क्या है, कॉमन है, अतः हमारा अवधारणा गलत है कि हम जो माने थे कि करणी 5 का है परिमेय संख्या, अतः करणी 5 एक का है अपरिमेय संख्या है। और हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, प्रश्न संख्या 2 कहता है देखिए कि दिखाइए हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3+2 करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक हम विपरीत मानेंगे, माना कि 3+2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में विभक्त करेंगे, तो 3+2 करणी 5 बराबर पी बटा क्यू, फिर वही हमारा कंसेप्ट रहेगा जहाँ क्यू क्या रहेगा जी, क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है, अर्थात पी तथा क्यू
एक सह अभाज पी तथा क्यू एक स अभाज गुणनखंड है जिनका एचसीएफ कितना होगा, एक होना चाहिए। अब देखिए 3 + 2 = 5 बराबर पी बटा क्यू। अब देखिए 3 इधर प्लस है तो इस साइड है तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 = 5 बराबर पी बटा क्यू, इधर माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखते हैं अगर इसे हम मन करें कि इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो सकता है। इधर हम लिख दे रहे हैं कि 2 + 5 ये हो जाएगा 3 से इधर गुणा करेंगे तो पी माइनस 3 क्यू बटा क्यू। बस यहाँ पर एक कंसेप्ट बढ़ाए हैं। अब देखते हैं अब इधर भी हम 2 से भाग दे देंगे तो करणी इधर करणी 5 पी माइनस 3 क्यू, आज जो ये 2 था ये कहाँ आ गए, नीचे आ गए। हम अभी दिखाए हैं कि पी बटा क्यू भी क्या है, एक परिमेय संख्या। पी और क्यू भी क्या है, परिमेय संख्या। और जो संख्याएं 2-3 भी होती है वो क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन हमने यहाँ का मिला है कि इसके बराबर करणी 5 क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए पी माइनस 3 क्यू बटा 2 क्यू ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यही करणी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम पी माइनस 3 क्यू बटा 2 क्यू एक परिमेय संख्या है जबकि करणी पाँच एक अपरिमेय संख्या है। हम अभी इसी का ज्ञात किए हैं। अतः हमारा अवधारणा गलत है कि 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के योग और अंतर हमेशा करने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ भी देख लेते हैं 3 एक परिमेय संख्या है जबकि करणी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों का योग हमेशा अपरिमेय भी होता है। अतः 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो इसका हम विपरीत मानते हैं। जैसे हम माने हैं 3 + 2 = 5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या है तो इन्हें पी बटा क्यू के रूप में हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। जहाँ पी और क्यू एक सह अभाज्य गुणनखंड है जिनका मौसम क्या होगा, एक होगा। तो 3 + 2 = 5 बराबर पी क्यू। अभी हम व्यवस्थित किए हैं, 3 को इस बगल लाए हैं तो माइनस में हुआ है। अब थोड़ा और देखेंगे तो हम देखिए क्या किए हैं, इसे गुणा कर दिए हैं थोड़ा और आसान हो जाए। तो 3 क्यू पी माइनस 3 क्यू बटा क्यू। अब जो करणी 5 के साथ 2 है बटा में आ गया। हम जानते हैं कि पी बटा क्यू क्या है, अब परिमेय संख्या है। उसका संख्या जो नंबर भी होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या। तो पी माइनस 3 क्यू बटा 2 क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। तो उसके बराबर में भी उस करणी 5 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम अभी सिद्ध कर चुके हैं कि करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए हमारा अवधारणा गलत है कि 3 + 2 = 5 क्या है, परिमेय संख्या। अतः 3 + 2 = 5 क्या है, इसके विपरीत मान लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगले हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ। पहला क्वेश्चन है 1/2। अब इसको ही मानते हैं। माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
जहाँ एक बटा करनी दो बराबर पी बटा क्यू। अभी से हम मन करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर करनी दो पी। फिर वही कंसेप्ट रहेगा दोनों पक्षों में बर करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष में जब बर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, क्यू स्क्वायर करणी दो पी का भी स्क्वायर। तो इसका बर करेंगे जब हम एक लाइन इसे बढ़ा देते हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू पी स्क्वायर अर्थात क्यू स्क्वायर दो से क्या है विभाज है। अब हम क्यू बराबर टू सी लेने पर, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में एक कांस्टेंट लेना पड़ता है क्यू बराबर टू सी। अब ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्यू की जगह हम टू सी स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा इक्वेशन है, बराबर करणी में टू पी स्क्वायर जब इसका वर्ग करेंगे तो चार सी स्क्वायर है, जबकि ये टू पी स्क्वायर होगा अर्थात ये कटाएंगे तो टू सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर भी दो से विभाज होगा अर्थात पी व क्यू में दोनों में पी व क्यू दोनों में दो उभयनिष्ठ हैं जबकि हम इसे जब एक बटा दो जहाँ यह एक कंसेप्ट है जहाँ क्यू का मान जहाँ हम ये माने हैं कि दोनों स्वाभाज्य संख्या हैं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, जबकि हमें क्या मिल रहा है दो उभयनिष्ठ मिल रहा है तो पी और क्यू दोनों में दो उभयनिष्ठ हैं अतः हमारा अवधारणा गलत है कि एक बटा करणी दो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए एक बटा करणी दो एक अपरिमेय संख्या है। एकदम सिंपल कंसेप्ट समझे हम, इसका अपोजिट माने कि माना कि एक बटा करणी दो एक परिमेय संख्या है, एक बटा करणी दो पी बटा क्यू जहाँ दोनों का मास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। हम कंसेप्ट लिख सकते हैं जहाँ क्यू का मान क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जहाँ क्यू का मान क्या होगा जी, जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं क्यू बराबर करनी में टू पी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो क्यू स्क्वायर बराबर करनी टू पी स्क्वायर अर्थात वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या निकलता है जी कि क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य हैं, तो हम क्यू बराबर टू सी लेते हैं तो क्यू का मान जो टू सी रखे हैं उस समीकरण फिर हम फर्स्ट में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पी के जगह क्यू की जगह हम क्या रखें टू सी, इसका वर्ग करेंगे चार सी स्क्वायर और जब इसका वर्ग टू पी स्क्वायर दो से कट जाए तो टू सी स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर भी दो से विभाज होगा। तो हम ये देखते हैं पी और क्यू में दोनों में दो भिन्न निष्ठ हैं अतः हमारा अवधारणा गलत है कि एक बटा करण दो एक परिमेय संख्या है,
इसलिए करणी एक बटा करणी दो एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं प्रश्न संख्या दो में, यहाँ देखिए इसको दिखा, हमको इसको भी दिखाना है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम मानते हैं, माना कि सात करणी पाँच एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहाँ सात करणी पाँच बराबर पी बटा क्यू, जहाँ क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात पी व क्यू एक सह अभाज गुणनखंड है, अर्थात इनका मसा कितना होगा जी, HCF एक होगा। अब देखिए सात, अब इसको हम सा, ये पाँच को इस तरफ हम लाते हैं तो ये करणी पाँच बराबर हो जाएगा पी बटा सात क्यू, सात क्यू। हम जानते हैं कि करणी पाँच क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर हम एकदम स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि पी बटा सात क्यू एक परिमेय संख्या है, जबकि करणी पाँच एक अपरिमेय संख्या है। हम अभी सिद्ध करके आए हैं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा अवधारणा क्या है जी, गलत है कि सात करणी पाँच एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इसका विपरीत लिखते हैं कि सात करणी पाँच एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमेशा इसके विपरीत हम करते हैं, माना हम लोग का माने कि सात प्लस करणी पाँच एक परिमेय संख्या है, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ पी क्यू का सअभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको बटा मिला दिए हैं तो ये हो गया करणी पाँच बराबर पी बटा सात क्यू। हम जानते हैं कि पी बटा ये सात क्यू क्या है जी, एक परिमेय संख्या है, पी बटा सात क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, क्यू है ये परिमेय संख्या है, जबकि करणी पाँच एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा अवधारणा क्या है, गलत है कि सात करणी पाँच एक परिमेय संख्या, अतः सात करणी पाँच एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हमें अंतिम क्वेश्चन पर कि छः प्लस करणी दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लिखते हैं छः प्लस करणी दो, माना कि छः प्लस दो करणी दो एक परिमेय संख्या है, जहाँ छः प्लस करणी दो बराबर पी बटा क्यू, जहाँ क्यू के मान का होना चाहिए शून्य नहीं होना चाहिए, जहाँ पी व क्यू एक सअभाज्य गुणनखंड है,
जिनका HCF कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखिए तो लिखते हैं 6 प्लस करणी 2 बराबर P बटा क्यू। अब हम 6 का करेंगे, इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा करणी 2 बराबर P बटा क्यू माइनस 6। अब देखिए इसको हम हेडलाइन कर सकते हैं, जहाँ ये लिखते हैं हम जानते हैं कि P बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जबकि करणी दो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा अवधारणा गलत है कि 6 प्लस करणी 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और देखते हैं हम इसको कि 6 प्लस करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम दर्शाना है। तो माना कि 6 प्लस करणी 2 एक परिमेय संख्या है। अब इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त करेंगे, जहाँ P और Q क्या होगा, एक सहभाज गुणनखंड होगा, जिनका मसक क्या होगा जी, एक होगा। कि 6 प्लस करणी 2 बराबर P बटा क्यू। अब 6 को हम इस तरफ करेंगे तो करणी 2 बराबर P बटा क्यू माइनस 6। हम जानते हैं कि P बटा क्यू और 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि करणी 2 एक का है अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा अवधारणा क्या होगा, गलत होगा कि 6 प्लस करणी 2 एक अपरिमेय, 6 प्लस करणी 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि किन्हीं दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ व घटाना हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।